वो दौर के जब दिल्ली में पानी ही पानी नजर आ रहा है। यमुना के जलस्तर में हालांकि मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी ये है कि अब यमुना के जलस्तर में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। अब अगर हम बात कर रहे हैं यमुना के जलस्तर की, तो आपको ये बता दें कि 207 मीटर के पार पर यमुना बह रही है। दिल्ली में आज बरसात को लेकर अलर्ट है। पहले से दिल्ली की सड़कें पानी पानी है, कई इलाकों में पानी भर चुका है और अब एक बार फिर से बरसात के आसार बन रखे हैं। इधर यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 207 मीटर के पार बह रही है यमुना और 45 साल का रिकॉर्ड यमुना के जलस्तर ने तोड़ दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की पानी नजर आ रहा है। कई इलाकों में पानी से परेशानी खड़ी हो गई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पौष इलाकों तक में पानी पहुंच गया है। राजघाट में 3 फीट से ज्यादा पानी है। इधर हाईकोर्ट के इलाके में पानी नजर आ रहा है। आईटीओ मानो पूरी तरह से डूब गया है। आईटीओ पर वाहन चल रहे हैं रेंग रेंग कर। कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर वाहनों का जाना नामुमकिन है। कई अंडरपास बुरी तरह से पानी से भरे हुए हैं और आपको ये भी बता दें कि जनजीवन पर भारी असर इस बरसात का होता दिख रहा है। दिल्ली में इस समय सब जलमग्न है। यमुना के बढ़े हुए स्तर ने राजधानी में लोगों के जनजीवन को मानो अस्त व्यस्त कर दिया है। इससे पहले 1978 में यमुना का जलस्तर इतना ही बढ़ा था। इसके बाद बाढ़ आ गई थी, तबाही मच गई थी। इस दौरान जान माल का काफी नुकसान हुआ था। इतने सालों बाद एक बार फिर यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें पानी से भर चुकी है। कई पौश इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन रखी है। कई जगहों पर मेट्रो स्टेशन में पानी घुस गया है। आईटीओ की तस्वीरें आप देखिए, लग रहा है सड़कें झील में तब्दील हो गई है। तो वहीं राजघाट पर पानी भरा हुआ है। राजघाट में 3 फीट से ज्यादा पानी है। हाईकोर्ट के इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली के पौश इलाकों में पानी घुस गया है। निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है। कई स्कूलों में लोगों ने आकर पनाह ली है। ये तस्वीरें आप देख रखे हैं, दो तस्वीरें बता रखी है कि दिल्ली पानी पानी हो गई है। तो आप तस्वीरें देख रखे हैं कि आईटीयू की तस्वीर आप देखिए, मानिए ये सड़क कोई झील बन गई हो। लोग इक्का दुक्का ही सड़कों पर नजर आ रखे हैं। बड़ी मजबूरी में शायद लोग अपने घरों से निकल रखे हैं। वहीं आपको ये बता दें कि निचले इलाकों से लोग अपने घरों को खाली भी कर रखे हैं। दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर है आईटीयू की, दूसरी तस्वीर ड्रोन से ली गई एक तस्वीर है जो एक बड़ी तस्वीर आपको दिखा पा रखी है। दूसरी तस्वीर में आप देख रखे हैं लाल किले के आसपास के इलाकों की ये तस्वीरें हैं। हर कहीं पानी भर गया है। पानी अपने साथ तबाही लेकर आया है। दिल्ली की लाइफलाइन यानी कि सड़कें बंद हो गई है। दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही नामुमकिन सी होती नजर आ रही है। कुछ सड़कें जो सूखी हैं, वहां पर सुबह सवेरे जाम की स्थिति है। और देखिए आपकी किस तरह से लाल किले के आसपास की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। दिल्ली में मानो जल प्रलय आ गई है और ये जल प्रलय तबाही मचा रखी है। लेकिन ये सैलाब का अंत नहीं है। सैलाब अभी और बढ़ सकता है क्योंकि आज फिर ये अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली में बरसात होगी। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रखी है। 45 साल का रिकॉर्ड यमुना ने तोड़ दिया है। और आप देख रहे हैं कि सिविल लाइन एरिया की तस्वीर जहां पर एक गाड़ी पानी में डूबी हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ कितना पानी है, किस तरह से यहाँ पर एक गाड़ी पूरी तरह से डूब गई है। पूरे इलाके का यहाँ पर यही हाल है। लोगों के घरों में पानी ही पानी है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां डूबी हैं, लोगों के घर डूबे हैं और पानी अपने साथ मानो तबाही लेकर आया है। पूरा इलाका सुनसान होता दिख रहा है। लोग डर रखे हैं इन तस्वीरों को देखकर क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। कई इलाकों को लेकर अनुमान है कि अगले कुछ घंटों में वहां तक भी पानी पहुंच जाएगा जहां अभी पानी नहीं पहुंचा। पौश इलाकों तक में पानी भर गया है। वाहनों का चलना बेहद मुश्किल क्योंकि रास्तों पर इतना पानी है कि वाहन रास्तों में बंद हो रखे हैं।
हर कहीं पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली का हाल बेहाल है। लाल किले की तस्वीरें देख रखे हैं, सिविल लाइन की आप तस्वीरें देख रखे हैं। पानी से मानो दिल्ली भर गई है। दिल्ली की सड़कें किसी झील में तब्दील हो गई है। जनजीवन हाल बेहाल हो गया है। लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। निचले इलाकों से लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है। स्कूलों में पनाह ले ली है। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है। इधर यमुना ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पानी पानी हो गई है दिल्ली। अब एक और अनुमान जो डरा रहा है वो ये है कि एक बार फिर दिल्ली में बरसात हो सकती है। पहले से दिल्ली पानी पानी है और ऊपर से बरसात ने एक बार फिर आने की ठानी है। ऐसे में भारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। यमुना उफान पर है। यमुना इस वक्त पानी की गिरफ्त में है। आईटीओ राजघाट पानी में डूब गया है। पूरे इलाके में जलमग्न होती सड़कें अब तबाही का मंजर दिखा रखी है क्योंकि निचले इलाकों से लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट राजघाट में पानी भर गया है। आईटीओ राजघाट पानी में डूब गए है। पूरे इलाका आप देखिए कि किस तरह से जलमग्न हो गया है। कई जगहों पर लोग अपने घरों को छोड़कर निकल रखे है। अभी नुकसान का आकलन तब होगा जब पानी उतरेगा, लेकिन अब एक बार फिर से अनुमान लगाया गया है कि आज फिर बरसात होगी। यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े को पार कर रहा है। 205 मीटर के ऊपर बह रही है यमुना। इधर कहा यह जा रहा है आज फिर बरसात होगी। देखिए, दिल्ली में जब से मैं रहा हूँ, कह नहीं सकता मैं, ये सिनेरियो मैंने कभी नहीं देखा। आज पहली बार मैं ये सब देख रहा हूँ। इतनी बाढ़, इतना पानी कभी नहीं देखा आज तक। कल मैं जनरली मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ राजघाट पे, और आज तक मैंने इतना पानी कभी नहीं देखा। एक बार पहले और आया था पानी, राजघाट के अंदर भर जाता था, बारिश आती थी थोड़ा बहुत, वो दैट इज ओके। बट ये पानी, और कल मैं अपने भतीजे को लाया, जैसे मैंने आपको बताया मॉर्निंग वॉक पे, ही वो सरप्राइज। मैंने कहा बेटा मैंने भी नहीं देखा इतना पानी। तो पहले कभी इतना पानी नहीं आया जितना पानी अब के आया है। पहले भी पानी आता था, लेकिन इतना पानी, चार चार फुट, तीन तीन चार चार फुट पानी जो जमा हुआ हुआ है, हमने इतना पानी पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, क्योंकि ये कश्मीरी गेट सिविल लाइन्स का एरिया जो है पूरा पैक है पानी से। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये आ रही है कि घरों में पानी नहीं आ रहा तीन दिन से, उसकी वजह से बहुत बहुत क्या नाम है प्रॉब्लम है कभी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की दिल्ली से संवाददाता राजा पटेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, दिल्ली के कौन कौन से इलाकों में पानी घुसा के, कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर कह सकते हैं कि पानी नहीं पहुंचा के, क्या स्थिति दिल्ली में बन रखी है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की स्थिति की बात करें तो पहले की तरह ही स्थिति लगातार बनी हुई है। की बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, राजघाट की बात कर ले, सिविल लाइन की बात कर ले, और यमुना बाजार की बात कर ले, तो जो पानी है अभी भी लगातार बना हुआ है। हालांकि जो यमुना का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर जरूर है, पर एक अच्छी बात यह है कि पानी का जो लेवल है वो अब बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी कि जो पानी है वही पानी अभी भी दिल्ली में मौजूद है, पर जो जानकारी है कि आज शाम तक दिल्ली में बारिश हो सकती है, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल एक बार फिर से यदि बारिश होती है तो यहाँ पर दिल्ली सरकार के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए होती भी नजर आएगी। फिलहाल जिस तरीके से तमाम जो एनडीआरएफ की टीमें बात करें और जो फोर्सेस हैं वो लगातार काम कर रही है और पानी को निकालने को लेकर लगातार जद्दोजहद लगातार करते हुए दिल्ली सरकार की बात करें, अधिकारियों की बात करें, नजर आ रहे हैं जी। अच्छा, देखिए कौन से इलाके है जहाँ पर अभी पानी नहीं पहुंचा और जहाँ लेकर ये खतरा है कि हो सकता है पानी पहुंच सकता है? और बिल्कुल, देखिए कई ऐसे इलाके हैं जिस तरीके से हम बात कर रहे, लक्ष्मी नगर की बात कर लें, इंडिया गेट की बात कर लें, सेंट्रल दिल्ली की बात कर लें, तमाम जो ऐसे इलाके हैं वहां पर भी यदि पानी का लेवल बढ़ता है, यमुना में पानी का जो लेवल है लगातार जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा, आगे यदि बढ़ता है तो ये पानी सेंट्रल दिल्ली होता हुआ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी पहुंचता हुआ नजर आएगा। अच्छा राजा, देखिए मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहना गलत नहीं होगा, लेकिन मेट्रो पर कितना असर है क्योंकि मेट्रो स्टेशन तक में पानी घुस गया है? बिल्कुल, देखिए मेट्रो की बात करें तो मेट्रो क्योंकि जो यमुना बैंक है वो अभी एहतियातन, क्योंकि यमुना जो बैंक मेट्रो स्टेशन है वो यमुना पुल के ऊपर है, तो एहतियातन को एग्जिट और एंट्री बंद करके फिलहाल मेट्रो पर इस तक काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो मेट्रो है काफी देरी से चलती हुई, 20 से 25 मिनट डिले होती हुई चलती हुई नजर आ रही है जी। अच्छा देखिए, मेट्रो स्टेशन में कहा जा रहा है पानी घुसा के, कहा यह भी जा रहा है कि मेट्रो के कई ऐसे इलाके हैं मेट्रो से जुड़े हुए जहां पर पानी इतना ज्यादा है कि डर ये है कि हो सकता है कि कुछ और इलाकों में भी पानी घुस जाए, कुछ और मेट्रो स्टेशन में भी पानी घुस जाए, उस लिहाज से क्या तैयारी मेट्रो की नजर आती है?
बिल्कुल देखिए, डीएमआरसी की बात करें, मेट्रो विभाग के अधिकारियों की बात करें, तो वो भी उनको भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि अभी तक जो मेट्रो स्टेशन के बाहर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी जरूर देखने को मिला है, पर मेट्रो स्टेशन के अंदर अभी पानी नहीं पहुंचा। इसको लेकर तमाम जो पर्याप्त तैयारी है डीएमआरसी वो करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो सुरक्षा कवच जो होते हैं जिसको लेकर पानी को रोका जाए, चाहे मेट्रो स्टेशन के अंदर की बात करें बाहर की बात करें, तो लगातार डीएमआरसी के अधिकारी कर्मचारी इस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो दिल्ली पानी पानी हो गई है।